हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ हाउ टू डू सैम कोल्डर लाइक ट्रांजिशन। आपने सैम कोल्डर की वीडियोस में देखा होगा ट्रांजिशन जूम इन होते हैं, जूम आउट होते हैं, टॉप टू बॉटम होता है और काफ़ी सारी तरीके के अच्छे अच्छे जो ट्रांजिशन हैं आपको उनकी वीडियोज़ में देखने को मिलते हैं। तो वही वीडियो के ट्रांजिशन मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। फर्दर मैं लूमा फेड के ट्रांजिशन और काफ़ी सारे ट्रांजिशन, मास्कुलर ट्रांजिशन के बारे में भी आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज वीडियो की। मैं बताता हूँ कि आपको सैम कोल्डर लाइक ट्रांजिशन किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो जूम इन हो चाहे जूम इन आउट हो और भी सारे ट्रांजिशन हैं, तो मैं एक एक करके आपको सारा का सारा समझाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वीडियो है, हम इसको ज़रा प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं जूम आउट ट्रांजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, और इसको इस पर फिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा जूम आउट, इसको बिल्कुल मिड में लेके आएंगे। ये यहाँ से हम 6 फ्रेम बैक जाएंगे, शिफ्ट करके अगर प्रेस करके हम बैक प्लेस करेंगे तो 5 फ्रेम हो गया, और एक बार फिर ये एरो लेफ्ट साइड को करेंगे तो हम एक फ्रेम हो गया, ये एक फ्रेम हो गया, तो टोटल हो गया ये 6 फ्रेम हो गया। हम यहाँ से कंट्रोल के प्रेस करेंगे, कट हो गया। उसके बाद हम इस फर्स्ट वीडियो के 6 फ्रेम को हमने काट लिया, अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के भी 6 फ्रेम को काटेंगे। तो शिफ्ट 1 बैक आगे की तरफ फॉरवर्ड, फिर एक फॉरवर्ड, फिर शिफ्ट दबा के एक बार आगे फॉरवर्ड, फिर सिंगल फॉरवर्ड, कंट्रोल के। अब हम एडजस्टमेंट लेयर को ऐसे इस तरीके से अप्लाई करेंगे, 6 फ्रेम इसके में और 6 फ्रेम इसके में, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर को भी कट कर देंगे, शिफ्ट के, इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, और ये आपका पूरा ट्रांजिशन पैक है। एक चीज़ बता दूँ, ये ट्रांजिशन पैक मैं भी डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के ट्यूटोरियल्स लोग मेरे ज़्यादा पसंद कर नहीं रहे। अगर आप में से जो इस वीडियो को देख रहा है अगर किसी को ये ट्रांजिशन पैक चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, अपने कमेंट कीजिए मुझे अपना ईमेल कमेंट बॉक्स में और मैं उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो हम इसमें करने वाले हैं जूम आउट ट्रांजिशन की, जैसे कि ये ऐसे आए, ये वीडियो जैसे कि बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर आते फिर ये भी इसमें भी बाहर की तरफ आता रहे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो तरह की प्रीसेट है, एक तो मेन प्रीसेट है और एक ये वाले प्रीसेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेन प्रीसेट को जूम आउट करना है तो हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ डालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जूम आउट, जूम आउट को हम ऊपर टॉप में डालेंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, ठीक है। अब हमारा काम डन हो चुका है, काफ़ी इजी है, काफ़ी फास्ट तरीके से आप ये ट्रांजिशन कर सकते हैं जो कि जूम आउट ट्रांजिशन था। इसके बाद मैं आपको जूम इन ट्रांजिशन करके भी दिखाऊंगा, उसके अलावा मैं आपको स्मूथ स्लाइड, ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट है, क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, ये भी ट्रांजिशन नाम में करके दिखाऊंगा। हम डन कर चुके हैं, अब हम इस वीडियो को जरा एंटर करके हम रेंडर कर लेते हैं। ये हो गया रेंडर, अब इस वीडियो को देखिए, ये देखा आपने, इसी तरीके के ट्रांजिशन आपको सैम कोल्डर की वीडियोस में देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है, लुक जो इसको देखने में आता है ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद हम करने वाले हैं जूम इन ट्रांजिशन, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। हम चाह रहे हैं कि जैसे कि ये वीडियो आए ऐसे, फिर अंदर की तरफ जाए, काफ़ी इजी है, ठीक उसी तरीके से हम करेंगे ये। 6 फ्रेम इधर जाएंगे, कंट्रोल के, फिर 6 फ्रेम इधर जाएंगे, कंट्रोल के, नया हम एडजस्टमेंट लेयर लेंगे,
इसके ऊपर रखेंगे, इसको कट करेंगे, इसको हटाएंगे, उसके बाद इफेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जूम इन, जूम इन को हम ऊपर रखेंगे और जो ये मेन प्रीसेट है इसको हम राइट साइड रखेंगे। नाउ इट्स डन। अब इस ट्रांजिशन को देखिए आप, पहला ये ट्रांजिशन हमने किया जूम आउट का, ठीक है, और दूसरा ये ट्रांजिशन हुआ जूम इन का। ये अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा मैं और भी ट्रांजिशन आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसके आगे ये ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें करने वाले हम, ये वीडियो ऐसे जाएगी और हम इसमें करेंगे बॉटम टू टॉप ट्रांजिशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज और ध्यान रखनी है कि सिर्फ जूम इन और जूम आउट ट्रांजिशन के लिए हम जो फ्रेम कट करेंगे वो 6 फ्रेम करेंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी हम ट्रांजिशन करेंगे उसके लिए हम 10 फ्रेम कट करेंगे। यहाँ पे जूम इन कर लिया हमने काफ़ी अच्छे तरीके से, यहाँ से हम 10 फ्रेम कर बैक जाएंगे। तो शिफ्ट करके बैक, शिफ्ट करके बैक एरो, फिर शिफ्ट दबा के बैक एरो, ये हम 10 फ्रेम पे आ गए। कंट्रोल के शिफ्ट दबा के ये 10 फ्रेम, फिर 5 फ्रेम, फिर 5 फ्रेम कंट्रोल के। अब हम एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, ये एडजस्टमेंट लेयर ये इस पर रखा, कंट्रोल के इसको हटाया। अब हम क्या करने गए हैं, जो इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेन प्रीसेट है जूम इन और जूम आउट ट्रांजिशन हम एक साइड डालते हैं। इसके अलावा जितने भी हम ट्रांजिशन करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे कि जो मेन प्रीसेट है वो हम डालेंगे बोथ साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। और हमने किया टॉप बॉटम टू टॉप ट्रांजिशन, ये किया क्लिक किया, हमारा डन हो गया। अब देखो हम करेंगे ये तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम तीनों ट्रांजिशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार जरा दिखाता हूँ कैसे प्ले करके, जूम इन जूम आउट, फिर ये जूम इन और ये टॉप से बॉटम। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिशन हैं आप कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, टॉप बॉटम है, क्लॉकवाइज है। एक बार क्लॉकवाइज करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ हम करने वाले हैं क्लॉक वाइज, तो सेम एज इट इज वही फॉलो करेंगे। काफी फास्ट करेंगे, कंट्रोल के 10 फ्रेम पे आ गए, 10 फ्रेम पे। उसके बाद हम लेंगे एडजस्टमेंट लेयर, ये एडजस्टमेंट लेयर लिया हमने, दस फ्रेम पे इसको कट करेंगे, ठीक है। ओह नो 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 शिट। उसके बाद हम इफेक्ट्स में जाएंगे, मेन प्रीसेट को बोथ साइड रखेंगे, राइट लेफ्ट। अब हम इसमें रखने वाले हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक को हम एडजस्टमेंट लेयर पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्ले करेंगे, ये देखा आपने, ये जो ट्रांजिशन है क्लॉकवाइज हो रहा है। सो इस तरीके से आप काफ़ी सारी जो प्रीसेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने वीडियोस को काफ़ी अच्छे तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और आई होप कि जो आपको समझ में आया होगा कि ये ट्रांजिशन आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ये ट्रांजिशन पैक चाहिए तो कमेंट कीजिए मुझे ईमेल के अंदर,
कमेंट कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं उनको ईमेल कर दूंगा। और अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होगी, तो मैं इसको गूगल पे ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसका डाउनलोड लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ। सो आई होप कि जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से सैम कोल्डर लाइक ट्रांजिशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।